लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने जून 2020 में 59 ऐप को बैन कर दिया था। इन ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया था। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, लाइकी, वी चैट और बीगो लाइव जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। जून 2020 में शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है। हाल में ही सरकार ने 348 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स में कई चीन के भी हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन और दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गई है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। ये ऐप्स यूजर की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सदस्य ने पूछा कि क्या सरकार ने देश से बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है और अगर ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उसे प्रतिबंधित किया गया है। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे 348 ऐप की पहचान की है और मंत्रालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। मंत्री ने कहा कि इस तरह के डेटा प्रसारण भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं। चंद्रशेखर ने बताया कि इन ऐप को चीन समेत विभिन्न देशों द्वारा विकसित किया गया था।